हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आजकल के जो खान पान, आजकल के जो लाइफ स्टाइल हो गए, उससे हमारा डाइजेशन बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया है। आज मैं आपके लिए बहुत ही इफेक्टिव से एक रेमेडी लाई हूँ, बहुत ही टेस्टी सी एक गोली। दो पिल्स आपको सुबह और दो पिल्स आपको शाम को खाना है। बताए गए अनुसार आप खाएँगे तो आपके जो डाइजेशन की प्रॉब्लम होती है, खाना नहीं पचता है, खाने के बाद पेट फूलने की समस्या है, गैस बनी रहती है, एसिडिटी होती है, कब्ज की शिकायत है, ये सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएगी। यानी पेट से संबंधित, आपके पाचन शक्ति से संबंधित जो भी समस्या है पूरी तरह से दूर हो जाएगी। बहुत ही इफेक्टिव सा ट्रीटमेंट है और इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। बहुत ही हेल्दी चीज़ों से बन रहा है, जिसको खाने से आप देखेंगे आपका जो डाइजेशन है, आपकी छोटी आंत बड़ी आंतों को भी ताकत मिलेगा, उसमें जो खुश्की होती है वो भी दूर हो जाएगी, जिससे आपकी आंतें प्रॉपरली काम करेंगी और आप जो कुछ भी खाएंगे आसानी से पचने लगेगा। तो चलिए बताती हूँ कि ये दो गोलियाँ किन चीज़ों से बनी है और कैसे इसका सेवन करना है और किन किन बीमारियों में आपके लिए लाभदायक है। इससे पहले मैं छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे नई वीडियो का आपको तुरंत ही पता चल जाए कि कोई नई वीडियो आई है। देखिए, इसके लिए बहुत ही हेल्दी सा चीज़ ले रहे हैं, जिसे हम कहते हैं जैगरी यानी गुड़। ये सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। ये हमारे पाचन को बूस्ट करता है। कहा भी जाता है कि कुछ भी खा लो, अगर हम थोड़ा सा गुड़ का छोटा सा टुकड़ा खा लेते हैं तो खाना बहुत आसानी से पच जाता है। इसलिए क्योंकि जो गुड़ होता है, इसमें ऐसे कुछ तत्व पाए जाते हैं जो हमारे खाने को, हमारे पाचन को मजबूत करते हैं, तो इन्हीं को हम बेस दे रहे हैं अपनी इस गोली को बनाने के लिए। तो आप गुड़ लेंगे, तो यहाँ पे देखिए गुड़ ले रहे हैं। गुड़ को आपके क्या करना है, दो गोली हम सिर्फ बना रहे हैं, आपको एक टाइम के लिए बना के बता रहे हैं। आप इसे इकट्ठा ज़्यादा क्वांटिटी में बना के स्टोर करके रख सकते हैं। तो जो क्वांटिटी बता रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग आप इसको डबल और ट्रिपल करके आप इकट्ठा बना के रख लीजिए। तो देखिए यहाँ पे आधे गुड़ का हम यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे इसे कद्दूकस कर लेंगे क्योंकि इसकी गोलियाँ बनानी है। अगर सॉफ्ट वाली गुड़ है तो आप उसको ऐसे मैश कर लीजिए आसानी से, और इस तरह कड़ा गुड़ है तो आप इसे कद्दूकस से बारीक सा कद्दूकस कर लीजिए, जिससे इसकी गोलियाँ बहुत आसानी से बन जाए। तो देखिए इसे कद्दूकस बहुत आसानी से हो जाता है, सिंपली आप इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चम्मच के करीब हम गुड़ का पाउडर ले लिए हैं। तो चम्मच के अकॉर्डिंग आपको बता रहे हैं, जब इसे कद्दूकस करिएगा तो आप इसी हिसाब से मेजर कर सकते हैं। तो ये गुड़ जो है, अगर आप नापेंगे तो दो सिंपल जो चम्मच घर में आता है उसी स्पून से 2 चम्मच के करीब है, 2 स्पून के करीब है। ये देखिए पाउडर बन के तैयार हुआ। तो इसी तरह से आपको बना लेना है पाउडर। अब आप इसमें दूसरी चीज़ जो ऐड करेंगे वो है आंवला चूर्ण। आंवला चूर लीजिए या फिर त्रिफला चूर लीजिए। अगर आपका डाइजेशन ठीक नहीं रहता, आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, तो आप यहाँ पे आंवला चूर या फिर त्रिफला चूर दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। सिर्फ अगर आपको खाना पचने में दिक्कत है, आपको ब्लॉटिंग होती है, गैस एसिडिटी ऐसी समस्या होती है, तो आप सिर्फ आंवला चूर से बनाएंगे। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन है, तो यहाँ पे आप त्रिफला चूर और आंवला चूर दोनों को लेंगे, यानी त्रिफला चूर 1 चम्मच और आंवला चूर भी 1 चम्मच लेंगे कब्ज के लिए। और अगर ऐसे सिंपली खाना नहीं पचता है, गैस एसिडिटी होती है, तो आप सिर्फ इसमें आंवला चूर से ही इस चूर्ण को बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए गैस एसिडिटी के लिए हम बना रहे हैं, तो यहाँ पे आंवला चूर से हम बनाने जा रहे हैं। आंवला चूर का फ्लेवर गुड़ के साथ बहुत ही टेस्टी होता है। अगर आप इसे चाहें तो छोटे बच्चों को भी खिला सकते हैं। जैसे बड़े हैं तो आप 2-2 गोली करके खाएंगे, छोटा बच्चा है तो 1 गोली आप खिला सकते हैं। बहुत ही टेस्टी होती है, जैसे मार्केट में खट्टी मीठी कैंडी आती है, बिल्कुल खाने में उसका टेस्ट ऐसे ही लगता है आंवला चूर के साथ अगर आप बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 चम्मच, हम 2 चम्मच गुड़ है तो 1 चम्मच हम यहाँ पे आंवला चूर डाल रहे हैं। 1 चम्मच से थोड़ा कम ही देखिए इसकी क्वांटिटी हम आपको दिखा रहे हैं। तो जैसे रेशियो हमने बताया ना, 2 चम्मच अगर गुड़ है तो आप 1 चम्मच छोटा चम्मच देखिए इस तरह से यूज़ कर रहे हैं। तो छोटे चम्मच के करीब आप यहाँ पे 1 चम्मच यहाँ पे आंवला पाउडर डाल देंगे। अगर इसी को डबल ट्रिपल करना चाहते हैं तो उसी के क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप इसे बनाएंगे। अब इस आंवला पाउडर को डाल के इस गुड़ के साथ इसे अच्छे से मैश करिएगा। हाथों से इसे मैश करेंगे तो ईजिली मैश हो जाता है, स्पून से प्रॉपरली मैश नहीं हो पाता है। तो इसे आप हाथों से अच्छे से मैश करके इसकी गोलियां आप बाइंड करिए, आसानी से गोली बन जाता है। अगर मान लीजिए नहीं बनता है, थोड़ा बहुत ड्राई है, तो आप थोड़ी सी गुड़ की क्वांटिटी और बढ़ा दीजिएगा। तो इसमें कोई रेशियो नहीं है कि आप गुड़ कितना ऐड कर रहे हैं और कितना आप पाउडर ऐड कर रहे हैं, बस हाफ का रेशियो होना चाहिए। गुड़ जितना है उसका आधा आपको यहाँ पे आंवला चूर लेना है, इसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करेंगे। जितना भी आप गुड़ और जितना भी आंवला पाउडर यूज़ करिए, बस इतना ध्यान दीजिए दोनों का रेशियो हाफ का होना चाहिए। नहीं, अगर 1 मात्रा में आप गुड़ ले रहे हैं तो उसकी आधी मात्रा में आप आंवला चूर लेंगे।
तो ये देखिए इस तरह से हाथों से मैश कर रहे हैं, बहुत आसानी से इसकी गोलियां बन जाती हैं। अगर ड्राई लगेगा तो थोड़ा सा गुड़ इसमें और भी मैश करके हम ऐड कर देंगे। तो अभी देखिए बनाने पे बाइंड हो रहा है, बाइंड की कंडीशन में आ रहा है, तो थोड़ा सा ड्राई लग रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा गुड़ और लगेगा ज़रूर। तभी हम गोली बनाते हैं, फिर हम आपको दिखाते हैं अगर ज़रूरत लगती है तो कैसे आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए आसानी से बंद रहा, हम आपको एक गोली बना के दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से इसको जब इस तरह से इकट्ठा करेंगे तो बहुत आसानी से गोली बन जाती है। और इस गोली को आप बना के, क्योंकि देखिए इसमें पानी वगैरह लिक्विड फॉर्म में कुछ भी नहीं पड़ा है तो ये ख़राब भी नहीं होता, आप इस तरह से बना के किसी भी एयर टाइट कंटेनर में इकट्ठा करके रख सकते हैं। और दो गोली सुबह के टाइम पर खाली पेट आप खाइए इसको, गुनगुने पानी के साथ या फिर गुनगुने दूध के साथ। रात में सोते समय भी जब सोने लगते हैं खाना पीना खा के आधे घंटे बाद, तो इस तरह से दो गोली आप दूध के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ आप इसे खाएं। इसको खा के देखें, आप देखेंगे आपको सिर्फ एक हफ्ता ही करेंगे आप देखेंगे आपका डाइजेशन पहले से कहीं ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगा। और आपके पेट में जो ब्लॉटिंग की समस्या होती है, पेट फूलने लगता है, गैस एसिडिटी बनने लगती है, उसमें भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो ये देखिए इसको दूसरी गोली भी इसी तरह, जैसे एक गोली आपने देखा कितना बढ़िया सा बन गया, बस ऐसे ही। अब ये थोड़ा सा ड्राई लग रहा है तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा गुड़ हम इसमें हल्का सा हाथों से इसे मैश करके बहुत ही थोड़ा सा मिला दे रहे हैं। तो इस तरह जब आप गोली बनाएंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर ड्राई लगेगा तभी आप ऐड करेंगे, और नहीं लगता है तो आप इसे सिंपली ऐसे ही बांध के बना देंगे। तो ये देखिए बन गया है। अब हम दूसरी गोली भी आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए दूसरी गोली भी बन के तैयार हो गई है। बस ऐसे ही आपको दो गोलियां हमने बना के दिखाया, ऐसे ही आप ज़्यादा गोलियां बना के इकट्ठा करके स्टोर करके रख लीजिए। और जैसे हमने बताया है इसे दो गोली सुबह और दो गोली शाम के टाइम पे अगर बड़े हैं तो आप खाएंगे, और छोटे बच्चे को अगर दे रहे हैं उसे भी गैस एसिडिटी ऐसे कॉन्स्टिपेशन की समस्या रहती है, कब्ज रहती है, तो आप एक एक गोली गुनगुने पानी या गुनगुने दूध से दीजिएगा। आप इसको ही मात्रा को इसी हिसाब से देंगे, आप देखेंगे आपकी जो बीमारी है पेट से संबंधित वो सारी बीमारियां ठीक हो जाएंगी। आंवला जो होता है हमारे पाचन को मजबूत करता है, बूस्ट करने का काम करता है, साथ साथ गुड़ भी हमारे डाइजेशन को बूस्ट करता है। तो हम इन दोनों चीज़ों से बनी हुई गोलियों को खाएँ और आप देखेंगे इससे आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। आज की वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दूसरों के साथ शेयर जरूर करिएगा, जिससे औरों की भी हेल्प करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। कोई क्वेश्चन है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ अपना खूब ख्याल रखें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।